जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि तो खत्म हो गया और माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे से नवरात्रि खत्म हुआ। तो आज मैं बैठी थी तो सोची कि कुछ ब्लॉग भी बना देती हूँ। तो देखिए, मैं वो नवरात्रि में जो भोग लगाते हैं ना, तो ऐसे तो मैं एक समय माता रानी का जो प्रिय भोग आता है मैं वही लगाती हूँ। प्रतिदिन 9 दिन का 9 भोग मैं लगाती हूँ और एक समय में ड्राई फ्रूट और फल इसी का मैं भोग लगाती हूँ। तो देखिए, इतना सारा ड्राई फ्रूट मैं रखी हूँ, इसी पानी में करके रखती थी क्योंकि नवरात्रि के समय में टाइम नहीं मिलता था। सुबह में 4 बजे उठना, झाड़ू पोछा करना, फिर स्नान करके फिर पूजा पाठ करते 6:30 बज जाता था, 6:45। उसके बाद में नाश्ता बनाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उन्हें 7 बजे तक, मतलब कि 7:30 बजे उन्हें निकल जाना है, तो फिर उनके लिए मैं नाश्ता भी बनाती थी तो समय नहीं मिलता था। तो मैं भोग सब उठा करके ऐसे ही पोलोथीन में रख देती थी कि जब नवरात्रि खत्म हो जाएगा तब मैं इसको अच्छे से संभाल करके रखूंगी। तो देखिए, इतना सारा ड्राई फ्रूट मैं भोग लगाया हुआ रखी हूँ और इसमें से खाई भी हूँ। तो कौन कौन ऐसा किया है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि नवरात्रि के समय में दोस्तों मुझे नहीं टाइम मिलता है और सारे दिन एक तो मतलब कि सारे घर का काम करो, साफ सफाई करो, इसके बाद में पूजा पाठ करो, तो इतना संभालने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए बैठी थी तो सोची कि कुछ आप लोगों के साथ में बात भी कर लेती हूँ। तो इसमें काजू, किशमिश और पिस्ता बादाम और ये जो नॉर्मल बादाम आता है ना, वो भी सब मिक्स है, सब मैं पंचमेवा बना करके माता रानी का भोग लगाती थी तो सब रखी हूँ। तो अब देखिए, अब सबको अलग अलग डिब्बे में रख रही हूँ, सारे डिब्बा लेकर के और बैठी हूँ, सबको अलग अलग इसी में करके और रख दूंगी क्योंकि जब भी अपना खीर वगैरह बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी काजू और किशमिश, और ये जो पिस्ता बादाम है इसको फुला दूंगी तो मेरे पतिदेव खा जाएंगे। तो देखिए, कौन कौन ऐसा किया है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि नवरात्रि के दौरान में और उसमें भी वीडियो बनाना रहता है तो इंसान हर काम सोचता है कि कितना जल्दी कर ले। कभी कभी तो मैं 3 बजे ही उठ जाती थी क्योंकि बहुत जल्दी, मतलब समय कैसे बीत जाता था नवरात्रि में, समय पता ही नहीं चलता था ना समय का। तो सबको देखिए मैं इसी में चुन चुन के रख रही हूँ क्योंकि इसमें पिस्ता बादाम रख दूंगी और एक डब्बे में काजू रख दूंगी और एक में किशमिश रख दूंगी, और जो ये नॉर्मल बादाम है इसको मैं इस बड़े वाले डब्बा में रख दूंगी। ऐसे नॉर्मल बादाम बहुत कम ही है क्योंकि ज़्यादातर इसमें काजू, किशमिश और पिस्ता बादाम यही है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी का भोग लगाती थी शाम के समय में, इसका भोग लगाती थी सुबह के समय में, माता रानी का जो प्रिय भोग आता है वही मैं लगाती थी और शाम के समय। और पता है आज नवरात्रि खत्म हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों समय नवरात्रि के समय में पूजा पाठ करना तो बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि दोनों समय आरती करो, पूजा करो, तो उसी में कब टाइम पास हो जाता था, कुछ मतलब कि समय का पता ही नहीं चलता था। और आज नवरात्रि खत्म हो गया तो थोड़ा सा सुना सुना भी लग रहा था, तो मैं वीडियो बनाई और बैठी थी तो सोची कि क्या करूं, तो इसी को मैं अलग अलग करने चली आई क्योंकि कहीं भी तो टाइम पास करना चाहिए ना, तो इसी को अलग कर रही हूं। तो आप लोग भी ऐसे किए हैं क्या, क्योंकि नवरात्रि में टाइम मेरे को नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबको अलग अलग कर दी, ये नॉर्मल बादाम इसको भी अलग रख दे और इस डब्बे में किशमिश रख दे, इतना इतना सब हो गया है, और इसमें पिस्ता बादाम भर दे। और इस डब्बे में काजू, तो सारे अलग अलग कर दिए। और बता दूं कि अब की बार जो है ना, वो मैं 9 दिन का पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं की थी, आप सभी को शॉर्ट वीडियो के थ्रू तो मैं पूरा अपना पूजा तो दिखाई ही थी, मैं पूरे 9 दिन का नवरात्रि का व्रत नहीं की थी, लेकिन जो भी नियम विधि होता है ना वो मैं सब की, कुछ इशू हो गया था जिसके कारण डॉक्टर बोल दिया फास्टिंग नहीं रखने के लिए, तो मैं बस प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखी हूँ, लेकिन दोनों समय पूजा पाठ दुर्गा जी का जो भी सेवा होता है वो मैं सब करती थी, बस मैं 9 दिन का नवरात्रि का व्रत नहीं रखी हूँ, बस 2 दिन का व्रत रखी थी, लेकिन उनका प्रतिदिन का प्रति भोग, प्रति रंग, प्रति मंत्र हर दिन मैं जपती थी, ठीक है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अपना शाम के समय में इसी का भोग लगाती थी ड्राई फ्रूट का, और सुबह के समय में माता रानी का जो भी प्रिय भोग आता है मैं उसी का भोग लगाती थी। तो मतलब जो भी नियम
बनता है ना वो मैं सब करती थी, बस मैं 9 दिन का नवरात्रि का व्रत नहीं की। नहीं तो ऐसे मैं 7-8 साल से नवरात्रि का व्रत कर रही हूँ, 8 साल हो जाएगा मेरा नवरात्रि का व्रत करते हुए, लेकिन अभी तक अभी जब से मैं शुरू की तब से मैं 9 दिन के नवरात्रि से ही शुरू की। शुरू शुरू में भी 9 दिन का नवरात्रि करती थी, लेकिन 8 साल के बाद अब की बार पहली बार मैंने मतलब पूरे 9 दिन का नवरात्रि ना रख करके 2 दिन के नवरात्रि का व्रत रखी। वो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण डॉक्टर के वजह से डॉक्टर मना कर दिया कि हाँ फास्टिंग नहीं रखना है, इसलिए मैं नहीं रखी। ठीक है, तो वो तो मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं क्यों नहीं रखी, लेकिन वो भी बताऊंगी, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अब जा रही हूँ कपड़ा धोने, क्योंकि 9 दिन का जो नवरात्रि का व्रत था तो मैं तो साबुन शैम्पू ये सब यूज तो सप्तमी तक मैं नहीं करती थी, क्योंकि हमारे में सप्तमी तक जैसे अपना खुद का जो कपड़ा है उसको सरफ में नहीं धोते हैं और ना ही अपने शरीर में मतलब साबुन लगाते हैं। तो और जो भी बच्चे वगैरह हो जिसको या हस्बैंड है तो उनका तो कपड़ा भाई धुलना पड़ता है, क्योंकि हम अपने से बिनाएंगे, हस्बैंड को ऑफिस जाना रहेगा तो उनका बिना धुले कैसे रहेगा, तो इसलिए उनका तो धुला जाता था, लेकिन मैं अपना नहीं धुली हूँ। तभी कपड़ा भी रखी हूँ धुलने के लिए, तो अब जा रही हूँ कपड़ा धुलने, क्योंकि बैठी थी तो सोची कि कुछ आप लोगों से बात कर लेती हूँ और बैठे बैठे ये सब भी अलग कर देती हूँ, क्योंकि पता है नवरात्रि के दौरान में समय नहीं मिलता है, तो जैसे तैसे उठा करके और रख देती थी, बस साफ सफाई की, पूजा पाठ की और भोग को एक डब्बे में या एक पन्नी में बांध करके रख देती थी। तो मैं तो पन्नी में ही रखी थी, बड़ा वाला पन्नी में रख दी थी वहीं पे मंदिर के पास में, रोज अपना भोग उठा करके और उसी में बांध के रख देती थी। तो अभी फ्री बैठी थी तो सोची कि चलो कुछ बात भी कर लूंगी और ये संभाल भी दूंगी। तो कौन कौन ऐसा किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी।